उचित वातावरण न होने के कारण अनगिनत बहन बेटियां पढ़ नहीं पाती हैं। जमीन जमीन फार्म हाउस के बाहर आवाज नहीं जा रही है, गुरुदेव सर के बाहर दिल्ली तक कैसे पहुंचेगी? पर जोर से बोलते जय भीम। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, लेकिन वक्ता बनाने की मशीन हूँ, क्योंकि मैं मीडिया कर रही हूँ। आप समझ सकते हैं मैं मंच पर आया हूँ तो क्यों आया हूँ। अभी हमने पिछले दिनों बाबा साहब की मूक में जो पत्रिका बाबा साहब निकालते थे उसका 100 वर्ष हमने बनाया है। बाबा साहब उस समय इस बात को जानते थे कि हमारे समाज के अंदर मीडिया की जो कमी है उसको कैसे पूरा किया जाए। कितने बच्चे हैं जो 90+ नंबर लेकर यहाँ पर आए हैं? खड़े हो जाए, एक बार जोरदार ताली बच्चों के लिए। इन बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर इंजीनियर या प्रतिष्ठित संस्थान में काम करना चाहते हैं? हाथ उठाए। क्या आप में से कोई पत्रकार बनना नहीं चाहता? डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को आगे बढ़ाना नहीं चाहता? कुछ बच्चे हमारे पत्रकार भी बनने चाहिए, क्योंकि हमारे जिला स्तर पर पत्रकार नहीं है, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर तो छोड़ दीजिए। अगर आपके जैसे होनहार बच्चे पत्रकारिता में आई है तो लगेगा कि हमारा भी पक्ष रखने के लिए मीडिया के अंदर कुछ हमारे बच्चे पहुंचे हैं। मेरी ये बात आप लोगों से क्यों कही है? आप लोग देश का भविष्य है। क्या आप में से किसी बच्चे का फोटो एक अखबार में छुपा है? एक बार जोरदार तालियां। मोस्टली नहीं छपता है, आपका छपा है आपको बधाई, क्योंकि हमारा जो देश की जो स्ट्रीम मीडिया है उनका जो चरित्र है दोहरा चरित्र, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका अखबार में नाम छपा है और आज जो SC ST वेलफेयर एसोसिएशन है वो आपको सम्मानित कर रही है, लेकिन बुलंदशहर के उस मीडिया की कोई टीम यहाँ पर नहीं है। ये एक शोचनीय विषय है कि आपके फोटो अखबार में छाप कर सिर्फ ये दिखाया गया है कि आप किन संस्थानों से पढ़े हैं, ताकि उन संस्थानों में और बच्चे जाके फीस कमाए। उनकी मंशा आप लोगों को प्रसिद्ध करने की नहीं थी, आप लोगों के चेहरे दिखाकर दूसरे बच्चों से फीस लेने की मंशा थी। तो आप लोगों में से कुछ मीडिया कर्मी बनेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम रोज हुआ करें? सभी लोग चाहते, सभी लोग अपने एक जोरदार ताली बजा दें। क्या ऐसा संभव है? क्योंकि हमारे समाज के पास इतनी आर्थिक व्यवस्थाएं नहीं है और ना ही हमारे शिक्षकों के पास या छात्रों के पास इतना समय है। आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, गांव में और देहात में जो लोग हमारे किसान भाई हैं, मजदूर वर्ग हैं, वो तो खैर हम कह सकते हैं कि इतनी शिक्षित नहीं है, लेकिन आप जो समाज की क्रीम यहाँ पर बैठी है, आप लोगों का एक कर्तव्य बन जाता है कि आप लोग भी, आपके पास मोबाइल कितने लोगों के पास है? बाबा साहब पत्रकार बनाना चाहते थे समाज के अंदर, मगर काशीराम साहब ने पत्रिका निकाली थी। तो मैं चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम को जितने हमारे लोग यहाँ मोबाइल लेकर बैठे हैं, जिसके पास अपनी फेसबुक आईडी है, जिसके पास अपनी यूट्यूब आईडी है, लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारी आवाज़ को कोई दूसरा उठाने नहीं जाएगा। हमारी आवाज़ अगर खुद को उठानी पड़ेगी, हमारी आवाज़ अगर खुद बनना पड़ेगा। मैंने इसलिए पूछा कि ऐसे कार्यक्रम रोज होने चाहिए या नहीं, आपने कहा होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि रोज ऐसे कार्यक्रम का लुत्फ उठाए तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, YouTube पे जाना है, समता आवाज टीवी को सर्च करना है, आवाज भारत को सर्च करना है और नागमंच टीवी को सर्च करना है। इन सभी चैनल्स को सर्च करें और जब भी आपका मन लगे कि इस तरह के कार्यक्रम हमको देखना चाहिए तो उन चैनल्स को खोलें और अपने पसंदीदा कार्यक्रम उसमें देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मनोज अंताली नई दिल्ली से आप लोगों के बीच में मेरठ से है, जो बुलंदशहर की ही एक बेल्ट है। हमारे गांव में और बुलंदशहर के गांव में समानता ये है कि वहां की बेटियां यहां पर बिहाई जाती हैं और हमारे यहां की बुलंदशहर की बेटियां वहां पर बिहाई जाती हैं। तो मेरे परिवार में भी बुलंदशहर की बहुत सारी बेटियाँ हैं, मेरी बुआ है और बहुत से मेरे रिश्तेदार बुलंदशहर के लिए, तो मेरा भी बाय ब्लड बुलंदशहर से रिश्ता है। धन्यवाद। जस्टिस KG बालकृष्ण, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट एवं विशिष्ट अतिथि KP सिंह नगर निगम नई दिल्ली, ओम प्रकाश सरना पूर्व IRS भारत सरकार, दिल्ली विजय सिरी प्राचार्य डाइट बुलंदशहर, डॉक्टर सतीश प्रकाश मेरठ कॉलेज मेरठ एवं
का आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्हें आपका आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान धन्यवाद नमो बुद्धाय। यहाँ प्रस्तुत सभी सभी व्यक्ति को मेरा सदादर। मैं शीतल सिंह, मैं आप सबको सबसे पहले तो जितने भी मेरे सहपाठी यहाँ प्रस्तुत हैं मैं उन सबको बहुत सारी ढेर बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने 10th 12th IIT JEE में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस मेरे को एक चीज़ बोलनी है कि बीइंग एज अ स्टूडेंट हमारे लिए ये डिपेंड करता है कि हम हार्डवर्क तो करें, ठीक है, बट हार्डवर्क के साथ हम स्मार्ट वर्क भी करें, क्योंकि आज के समय में आप सब एग्ज़ाम्स देते हो, चाहे वो 10th हो, 12th हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सब में बहुत कंपटीशन है। 25-25 लाख बच्चा नीट JEE जैसे एग्ज़ाम्स को फिल करता है, तो आपको ये डिपेंड करता है कि आप उन 25 लाख बच्चों में से कैसे बेटर हो, तो ये आपको सोचना है और इसी चीज़ पर काम करना है। जो भी 10th एंड 12th के मेरे जितने भी सहपाठी हैं उनको मैं यही शिक्षा दूंगी कि आप हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करें, आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि आपको अपने एम को कैसे अचीव करना है। और अगर आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि आपका एग्जैक्ट एम क्या है और आपको किस तरह से अपने एम को पूरा करना है, तो आप अच्छे रिजल्ट को ज़रूर पाओगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय नमो बुद्धाय। गुड आफ्टरनून टू रिस्पेक्टेड गेस्ट, ऑल द पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज़ अनुष्का सिंह। आई हैव स्कोर्ड 621 मार्क्स आउट ऑफ 720 इन नीट 2023। आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर MBBS दिस ईयर एंड आई स्कोर्ड 94% इन क्लास 10th ऑल्सो। एंड फ्रॉम दैट ईयर ओनली आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर। सो माई पेरेंट्स सपोर्टेड अ लॉट इन माई जर्नी एंड दे सेंट मी टू अ कोचिंग। आई यूज टू स्टडी 7 to 8 hours इन द कोचिंग एंड आफ्टर रीचिंग होम आई यूज टू स्टडी मोर 8 to 10 hours। आई सेक्रीफाइस अ लॉट फॉर दिस एंड finally today I'm here and I want to thank my parents. Thank you for supporting me, my teachers and all the people who were there in my journey. Thanks a lot and thank you respected guests for inviting me. Firstly, bestowing myself in the feet of Ma Sharde and wishing you good morning or good afternoon if you say to all who are present here. So I am Charu Gaur from DS Memorial Oxford Public School, Shikarpur, Bulandshahr. So guys, I am here because मैं यहाँ आप सभी के सामने एक बहुत ही important मुद्दा लेकर आई हूँ. That is because many of you are from class 10th. So for your knowledge, I have passed class 12th and I have scored 98 marks in art stream from my school, from CBSE board. So definitely, I am at the position कि मैं आपको guide कर सकूँ, आपको कुछ ऐसे points बता सकूँ that possibly help you in your future time. So guys, many of you, आप में से बहुत सारे बच्चे class 10th से होंगे. And class 10th वो एक stage है, वो एक point है, जब आप क्लास 10th को पास आउट करते हैं, सो यू बिकेम मैच्योर, योर माइंड बिकेम मैच्योर एंड इट इज़ यू कि आपको डिसाइड करना है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपको फ्यूचर में क्या करना है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, द पीपल्स द स्टूडेंट गेट प्रेशराइज्ड एंड दैट प्रेशर डिस्ट्रॉय देयर फ्यूचर. सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आफ्टर पासिंग द क्लास 10th there are many options. आप PC भी लेंगे, PCM लेंगे, humanities या art stream लेके किसी और field को pursue करना चाहेंगे. But most of the cases बच्चे भेड़ चाल में चलना चाहते हैं. No, I have to go for PCB. No, I have to go for PCM. Arts stream तो अच्छी ही नहीं है. That is only for the weak students. No, no, I am at that condition कि मैं maths ले लूँगा, मैं bio चला लूँगा. But guys, the thing is your interest. The thing is your passion. The thing that where you stand, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप फ्यूचर में क्या स्कोप रखना चाहते हैं, आप फ्यूचर में क्या परस्यू करना चाहते हैं, दैट कम्प्लीटली एंड श्योरली डिपेंड्स ऑन यू. आपने 3 इडियट्स, तारे ज़मीन पर और हिचकी जैसी शानदार और बेमिसाल पिक्चरें तो
और वो हमेशा एक मैसेज देती हैं दैट ऑलवेज चेज योर पैशन. पैशन एक छोटा सा वर्ड बट बहुत विशाल मीनिंग वाला शब्द है. ये कोई एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को जिसने समझ लिया उसकी जिंदगी ही बन गई. जैसे पैशन एक ऐसा शब्द है जिसने अपने पैशन को समझ लिया, जिसने अपने इंटरेस्ट को जान लिया, उसने अपना जैसे फ्यूचर ही बना लिया. जैसे मैं क्लास टेंथ में थी, मैं बायो में मैथ्स में आई वॉज टू गुड. इन क्लास टेंथ आई वॉज डिस्ट्रिक्ट टॉपर एंड इन क्लास ट्वेल्थ आई एम टॉपिंग द इंटायर तहसील एंड ऑलमोस्ट 2 to 3 तहसील ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर. सो आई वॉज गुड एट बायो एंड मैथ्स. सो इट इज़ नॉट द पॉइंट कि मैं आर्ट स्ट्रीम लूँगी. But my interest, that I have the capabilities to speak, I have the capabilities to lead the pupil, I have the capabilities to ensure the pupil that you have the freedom, you have the rights. मेरे अंदर कुछ leadership qualities मुझे लगी, so I want that I should go for civil services. And from very starting, I also get the idea कि मैंने कभी सोचा नहीं था, but या YouTube पे कोई video देख ली, कभी न्यूज़पेपर में आर्टिकल देख लिया, कभी पापा से एक शब्द सुन लिया कि हाँ IAS ऑफिसर्स होते हैं, IFS ऑफिसर्स होते हैं. एंड दैट वर्ड स्ट्रक माय माइंड, दैट वर्ड कम्प्लीटली स्ट्रक माय माइंड. और मैंने सोचा कि आई वुड आल्सो गो फॉर द सेम. बट फॉर दैट मेरे इंटरेस्ट आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा जाने लगे. मुझे थियोरेटिकल पोर्शन बहुत पसंद आने लगा. मुझे पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन, आर फेडरल सिस्टम, आर सिविल सोसाइटी, अवर पास, अवर ज्योग्राफी, ये मुझे अपने आप से रिलेट होने लगी. ये मुझे आसपास की जगहों से रिलेट होने लगी. दैट्स व्हाई आई गो फॉर द आर्ट स्ट्रीम. सो द मैसेज आई वांट टू गिव यू कि हमेशा कभी ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त ये ले रहा है, अरे मेरा नाइबरहुड तो ये ले रहा है, पेरेंट्स क्या कहेंगे, पीयर प्रेशर, ओ माई गॉड वॉट पीपल से. बट दैट डजंट मैटर रियल फ्रेंड. द मैटर दैट वॉट यू थिंक, द मैटर वॉट यू लाइक्स एंड द मैटर वॉट यू वॉन्ट टू डू, दीज थिंग्स मैटर्स. और जब आप खुद को मैटर करने लगे, ये सोच लीजिए कि आपने अपने मन की और आपने अपनी जिंदगी बना ली. बिकॉज जो चीज़ हम करना चाहते हैं, सॉरी, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका ड्रीम तो आना चाहिए, सबसे पहले उसके बारे में एक्नॉलेजमेंट तो होनी चाहिए. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्कोप ही नहीं होती है, जिनको उस चीज़ की स्कोप ही नहीं होती है. बट द मेन थिंग कि आप अपना स्कोप बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को जानें. बहुत सारी आज के टाइम में ऐसे प्रोफेशंस हैं जो शायद आप लोगों को पता ही ना हो. सो द मेन थिंग दैट इज इंक्रीज योर स्कोप. अपना स्कोप बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को देखिए. सो दैट इज ऑल. होप यू आर वेल डे एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द अथॉरिटीज हियर हु वेलकम मी टू गेट ऑनर्ड बाय देमसेल्व्स. सो सबसे पहले मैं अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ. मेरा नाम मानसी सिंह है एंड आई सिक्योर 94.4% इन माई क्लास 12th विद ह्यूमैनिटीज आर्ट्स. सो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट वट एवर चारो हैज़ टॉट यू ऑल. अप्रिसिएशन बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है कुछ बच्चों के लिए. जब आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा सैड फील करते हो. लेकिन ये बात बहुत गलत है. अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, कहीं से नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आप खुद को सेल्फ मोटिवेट करिए, सेल्फ अप्रिशिएट करिए. आप छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप उसको अप्रिशिएट करिए. दूसरा, मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी. आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इतनी डाइवर्स टेक्नोलॉजी है कि हम उससे कुछ भी याद कर सकते हैं. लेकिन हाउ टू यूज़ सच डाइवर्स टेक्नोलॉजी फॉर अवर वेल्थ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हों. क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे ये नहीं करते क्योंकि इससे ये हो जाएगा, ये नहीं करते इससे ये हो जाएगा. हमें रिस्क लेना चाहिए. आपको जो इंटरेस्ट है आप उसको फॉलो करिए. जब टेंथ में मेरे 94.2 आए तो क्वेश्चन ये था कि क्या लिया जाए, मार्क्स अच्छे हैं तो साइंस में चले जाओ. नहीं, आप अपने पेरेंट्स को बताइए कि आपको क्या इंटरेस्ट है. मैंने अपने फादर मिस्टर राजकुमार सिंह जो आज यहाँ हैं, मैंने उनको बताया कि मुझे जो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं मुझे उसी के साथ आगे जाना है. उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया और 11th और 12th का ये रिज़ल्ट रहा कि मुझे 90+ नंबर मिले दोनों बार. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना इंटरेस्ट जानें
इंटरेस्ट जानने के बाद उसमें ये देखें कि आप उसमें क्या स्कोप रखते हैं, आप उसमें क्या कर सकते हैं। और जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपका क्या स्कोप है, तो आपको फ्यूचर में सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सक्सेस इज़ नथिंग बट अ वेरी वेरी मेजर बिलीफ इन सेल्फ। अगर आपको खुद में विश्वास है तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। और ये नहीं है कि आप थोड़े मार्क्स कम आ गए तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं। मार्क्स इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आपके प्रैक्टिस में कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपके मेन एग्ज़ाम में भी कम मार्क्स आएंगे। हो सकता है आपका मेन एग्ज़ाम में स्कोर बढ़ जाए। और ट्राई हमेशा कीजिए। एक बार अगर छूट गए तो दूसरी बार ज़रूर होगा, लेकिन ट्राई हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ट्राई करने से ही हमें नई चीज़ें पता चलती हैं। फेल होंगे कोई बात नहीं, एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, लेकिन उस फेलियर को देखिए कि उस फेलियर में क्या कमी रह गई थी कि जो हम इसको पास नहीं कर पाए। एट द लास्ट मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो बच्चे टेंथ में हैं वो नंबर के बेसिस पे अपने आगे के दो साल ख़राब ना करें। वो अपना इंटरेस्ट ज़रूर देखें कि उनका इंटरेस्ट किस में है। हालांकि इसमें नंबर कम है कोई बात नहीं, लेकिन इंटरेस्ट को ज़रूर मैंडेटरी रखिए। थैंक यू फॉर ऑल। थैंक यू।